मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा या फिर हम कह सकते हैं टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर, दोनों जो है एक ही गाड़ी है, क्योंकि इसमें आपको जो है सेम प्लेटफॉर्म, सेम इंजन, सेम फीचर, सेम डायमेंशंस और आपको सेम चीज़ें ही देखने को मिलती है। बस जो है अलग अलग कंपनियों ने अपने अपने नाम से जो है लॉन्च कर दिया, लेकिन इसमें जो आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा जो इसके बारे में जो है आज हम बात करने वाले हैं। तो यहीं स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले वेरियंट्स के बारे में। तो ग्रैंड विटारा में आपको जो है सिग्मा, डेल्टा, जीटा, अल्फा, जीटा प्लस और अल्फा प्लस वेरिएंट आपको देखने को मिलेंगे, जिसके जो स्टार्टिंग के चार वेरिएंट है वो माइल्ड हाइब्रिड में और बाकी रिमेनिंग वेरिएंट्स है जो वो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है। और यही बात करूँ मैं हाई राइडर के बारे में, तो इसमें जो है आपको ESGV वेरिएंट जो है माइल्ड हाइब्रिड के लिए देखने को मिलेंगे और आपको SGV जो है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के लिए देखने को मिलेंगे। बात करूँ प्राइस के बारे में, तो टोयोटा ने कहा है कि हम अगस्त में जो है इसके प्राइस आपको बता देंगे। बाकी मारुति का एक्सपेक्ट है कि वो भी इसी के आसपास या फिर जो है अपकमिंग फेस्टिव सीजन में जो है वो प्राइस बता दे। बाकी मैं बात करूँ एक्सटीरियर और इंटीरियर के बारे में, तो ग्रैंड विटारा का जो एक्सटीरियर है वो हाई राइडर से थोड़ा बहुत डिफरेंट है। अगर देखा जाए तो ग्रिल्स और हेडलैम्प्स में जो है आपको काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है। जैसे बात करें हम आपको जो है ग्रैंड विटारा में 3 पॉड आपको DRL देखने को मिलती है, वहीं अगर देखा जाए तो आपको इसमें हाई राइडर में जो है आपको स्पोर्ट्स ट्विन आपको इसमें LED DRS देखने को मिलती है जो ग्रिल से कनेक्ट होती है, मतलब एक क्रोम स्ट्रिप से जो है कनेक्ट होती हुई जाती है, जो काफ़ी एक अलग आपको फील देती है। बाकी अगर मैं बात करूँ ग्रैंड विटारा का जो आपका ग्रिल है वो पहले से जो है ज़्यादा चौड़ा है एज़ कम्पेयर टू हाई राइडर। बाकी तो जो है गाड़ी में ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस है जो वो अलॉय व्हील्स में। अलॉय व्हील्स का अगर हम डिज़ाइन देखें तो दोनों गाड़ी में जो है काफ़ी अलग आपको अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन देखने को मिलता ही है। वहीं आपको जो है ग्रैंड विटारा के डी पिलर पे जो है क्रोम स्प्लैश जो है देखने को मिलता है, वहीं आपको जो है हाई राइडर में नहीं देखने को मिलता है। बात करूँ वैसे मैं इंटीरियर के बारे में, तो इंटीरियर जो है दोनों गाड़ियों का बिल्कुल सेम है, आपको दोनों गाड़ियों में सेम देखने को मिलता है। आपको देखा जाए तो सेम इंफोटेनमेंट सिस्टम, सेम आपको क्लाइमेट कंट्रोल, सेम बटन्स आपको देखने को मिलते हैं। बस आपको कलर का जो है थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल सकता है कलर स्कीम पे। और वैसे हम फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें आपको 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा, पैनोरामिक सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा, वायरलेस चार्जिंग, एम्बिएंट लाइटिंग, फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर आपको देखने को मिलेंगे दोनों गाड़ियों में। बाकी मैं फ्यूल एफिशिएंसी और पावर ट्रेन के बारे में बात करूँ तो आपको दोनों गाड़ियों में एक मारुति का इंजन देखने को मिलेगा और एक टोयोटा का इंजन देखने को मिलेगा। जो मारुति का इंजन है वो है 4 सिलेंडर का K15C इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर इंजन, जो जनरेट करेगा 103 HP एंड 337 Nm ऑफ टॉर्क। और ये इंजन आपको 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स के साथ देखने को मिलेगा। और यहीं बात करें हम टोयोटा के इंजन के बारे में, जो रहने वाला 1.5 लीटर का TNGA टोयोटा का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जिसमें आपको जो है 177.6 वॉट की लिथियम आयन बैटरी जो जनरेट करेगी 115 BHP एंड 141 Nm ऑफ टॉर्क। और इसमें जो है आपको ECVT ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा और दोनों गाड़ियों में जो है आपको ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन जो है देखने को मिलेगा। बट लेकिन जो ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन है वो जहाँ तक है आपको सिर्फ माइल्ड हाइब्रिड वेरिएंट में ही देखने को मिले। बाकी हम बात करूँ माइलेज के बारे में, तो मारुति सुजुकी और टोयोटा ने क्लेम करा है कि आपको जो है माइल्ड हाइब्रिड पे ये गाड़ी 21.11 KMPL यानी किलोमीटर पर लीटर का जो है आपको माइलेज देखने को मिलेगा। यहीं आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट में 27.97 किलोमीटर यानी ऑलमोस्ट 28 का एवरेज जो है गाड़ी देने वाली है, ये कंपनी ने जो है दोनों ने क्लेम करा है। बाकी रियल लाइफ में जो कंपैरिजन होगा उससे एक अलग बात है। और बात करूँ मैं वारंटी के बारे में, तो टोयोटा ऑफर करती है 3 ईयर्स या फिर कह सके 1,00,000 किलोमीटर की वारंटी अपने अर्बन क्रूज़र पर, जिसे हम एक्सटेंड करा सकते हैं 5 साल और 2,20,000 किलोमीटर तक। और जो बात करें हम बैटरी और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाले हाई राइडर की, तो उसमें जो है आपको 8 ईयर्स या फिर कह सकते हैं 1.60 किलोमीटर की वारंटी देखने को मिलेगी। बाकी मारुति सुजुकी ने अभी तक कोई इस पर अनाउंसमेंट नहीं करी है, एक्सपेक्ट है कि आगे जाके इस पर जो अनाउंसमेंट देखने को मिल जाए। बाकी अगर मैं बात करूँ इन दोनों गाड़ियों की रिवाइल्स के बारे में, तो करंटली जो है इसे रिवाइल देगी ह्यूंडई क्रेटा, किया सेल्टोस, स्कोडा कुशाक एंड वॉल्सवैगन टाइगुन जैसी गाड़ी। बाकी आज के लिए बस इतना ही, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको जो है दोनों गाड़ियों के लुक्स कौन से किसके ज़्यादा बेटर लगते हैं, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। तो बस आज के लिए इतना ही, तो चलिए बाय।